उसकी भी जान पहचान है, उसकी भी जान पहचान है। हम पागल कुत्ते हैं या मर जाए अपने बच्चे को जहर खा खा के मर जाए क्या? कभी आता है हमारे से मांगे जाते हैं पैसे, पैसे दे तू नहीं तो है ना तुम्हें ठा के बंद करवा दूंगा, तुम्हारा बाजार हटवा दूंगा। जब बाजार ही नहीं लगने दे रहे तो कहाँ से हम लोन चुकाएंगे उनके? जो सब्जी काटने का चक्कू होता है ना वो लोगों को गर्दन पे रखते हैं। कोई भी आता है और हमको ही परेशान करता है, देखता नहीं है, रेडी पलट देते हैं। धंधेबाज बताती है, उसके पास क्या है, क्या है इसके पास? ये धंधा कराने वाली गुंडे पुलिस के गुंडे होते हैं, ये वो गुंडा है। मैंने मारा एनसीडी वाले को, मेरी मम्मी को नाली में गिर के मारा डंडा सा। पूरे कोरोना काल में इन लोगों ने बाजार बंद नहीं किया, क्यों? जबकि हर एक मार्केट बंद थी, हर मेन बाजार बंद थे। यहाँ पर गुंडे से अनुराधा शर्मा गुंडे से बाजार लगवाती है, लोगों पे चढ़वाती है, मार पिटाई करवाती है। हम किस तरह हम दुकान न लगाएंगे तो हम किस तरह बच्चे के पास रहेंगे? सब्जी बेचते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त मैं धर्मपुरा में मौजूद हूँ। आपको बताते हैं यहाँ पर इस एरिया में बुध बाजार लगता है और ये सभी जितने लोग हैं ये सब सब्जी वाले हैं। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी है जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, जो कि इन लोगों को बाजार लगाने नहीं देता, हर रोज इनसे जो है पैसे लेता है। क्या है पूरा मामला, इन लोगों से बात करके बताते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। हाँ जी। मैं यहाँ की RWA चलाती हूँ। RWA जो का काम है कि भाई जब यहाँ पे मैंने बाजार बंद करने के लिए पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई जब शुरू में बाजार लगने के लिए, तब किसी पुलिस वाले ने या DC ने या किसी SHO ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सतपाल मलिक खुद और विक्की देसवाल इस बाजार को जबरदस्ती ले गए, क्योंकि मैं एक औरत प्रधान हूँ, मेरे पे जबरदस्ती की गई। फिर भी मैंने उनसे कम्प्रोमाइज कर लिया, कोई बात नहीं बाजार लग रहा है लगने दो। बाजार लगता रहा 10-12 सालों के बाजार लगते लगते, उससे पहले भी अनऑथराइज था। ऑथराइज तो यहाँ कोई बाजार है ही नहीं। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो मुझे कागज दो कि भी जिसने कंप्लेंट डाली है मुझे दिखाओ तो सही। एनसीडी वाले जो हैं रेडी वालों को खचेड़ खचेड़ को मार रहे थे, 3-4 बार आते हैं, पुलिस की पूरी फोर्स आती है और वो डंडे मार मार के हलाते। उसमें आम आदमी भी दुखी है, कॉलोनी को किसी को जीने नहीं दे रहा। क्या नाम है पुलिस वाले का? संजय। कब से आप लोगों को वो परेशान कर रहे हैं? ये अभी से 4 हफ्ते से ज्यादा परेशान कर रहा है हमें। कभी आता है हमारे से मांगे जाते हैं पैसे, पैसे दे तू नहीं तो है ना तुम्हें ठा के बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम्हारा बाजार हटवा दूंगा। कितने पैसे मांगते हैं आपसे? 100 रुपए बुधवार को। हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, बताइए? हम किस तरह हम दुकान न लगाएंगे तो हम किस तरह बच्चे के पास रहेंगे? हर बाजार 1 महीना से दुखी कर रखा है। कोई भी आता है और हमको ही परेशान करता है, देखता नहीं है, रेडी पलट देते हैं। हम लोग कब तक अपना नुकसान सहले? ये कह रहे हैं कि हमें प्रधान बनाओ, हमें पैसा दो। ये 2-3 जने हमें क्यों परेशान करा जा रहा है? इसका हल तो निकाला जाए। हम सब्जी लेकर आते हैं, उसका हम बर्बाद करके जाते हैं, क्या फायदा उसका? ये मेरी मम्मी है, 70 साल की है, इसको भी ऐसा खून मारी हूँ मैं। हम सीधी वाले ने मेरी मम्मी को नाली में गिर के मारा डंडा सा। 10-10 हजार लोन देते हैं मोदी जे, आप सब सब्जी वाले 10-10 हजार रूपए उठाओ, हमें अपना सब्जी बेच के लोन चुका। जब बाजार ही नहीं लगने दे रहे तो कहाँ से हम लोन चुकाएंगे उनके? हाँ मैडम, आपके पति है संजय जी, वो यहाँ पर है अभी। हाँ सो रहे हैं, तो एक बार उठा दो मैडम। नहीं, काम क्या है? बात ये है कि आपके हस्बैंड पे ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके हस्बैंड संजय कुमार इंस्पेक्टर है, वो इन सबको बाजार लगाने नहीं देते। ये सब जितने खड़े वो सब बोल रहे हैं बाजार नहीं लगने देता, मैं लोग बाजार लगाता हूँ, रेडी पलट देता है, बोलता 100 रुपया ग्रोथ देता, बाजार लगने दूंगी नहीं तो मैं लगने दूंगी। हर बुधवार को नुकसान करता है मेरे लोग के। ये बाजार वहाँ भरता था, ये बाजार वहाँ भरता था मैडम, जहाँ पहले भरता था ये वही जाए। 3 बुध बाजार इन्होंने इतना बोला था मेरे घर के आगे बाजार मत लगाओ, अच्छी पड़ती है, अनऑथराइज मार्केट है, कोई अपने घर के आगे से हटा रहा है, कोई इनका फर्ज बनता हटाने का। इन्होंने जैसे हटाने की मना किया 50 आदमी इसके घर पर आकर चढ़ गए। क्या ये बोलना गुनाह है मेरे घर के आगे बाजार मत लगा? तुम लो ना परमिशन, परमिशन लेके लगाओ। ये गली अगर जितनी प्रधान की है ना, प्रधान को हमने आकर दिया गली में बाजार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमारा प्रधान सारे गलत काम कर रहा है। अच्छा आइए, फिर बनते हैं रोड। हमारा प्रधान शुरू से खाने खाने काम कराने में बिल्कुल नहीं, ना कोई गेट, ना कोई यहाँ पर लाइट, ना ढंग से कोई फैसिलिटी दी गई। प्रधान कैसे खा रहा है? हाँ।
गलियों में सब्जी बेचते हैं। आपने बोला 12 साल से बाजार लग रहा है, यही सारे बाजार नहीं लगा रहे। हाँ, इन्होंने एप्लीकेशन दी है अपने कमिश्नर को, किस कुछ को दी है, जो भी दी है, एक इन्हें और एक पूजा शर्मा ने, दो आदमियों के सिवा, उसने चाहे 10 आदमियों को साइन कराए हों चाहे 20 के कराए। मैं ये नहीं कहती कॉलोनी के साइन होंगे, लेकिन मैंने मेरे पास जो पता लगा, मेरे को कोई कागज ही नहीं दिया लोगों ने। मैंने जब इसके बारे में पूछा तो कागज ही नहीं दिया किसी ने। इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलीगल है ये पूरा टोटल, ठीक है। एमसीडी से परमिशन नहीं है, हम सब जो लीगल है लीगली करा लो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। इलीगल बाजार है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को काफी दिक्कत है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है, एम्बुलेंस यहाँ पे जा नहीं सकती है, फायर वाली गाड़ी आ नहीं सकती है, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई को बड़ी डिस्टर्ब होती है, बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद यहाँ पे दारू वाले घूमते रात को, तो काफी दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे इलीगल बाजार है तो इलीगल नहीं लगेगा ये। हमने परमिशन हमने दिया एप्लीकेशन, हमने प्रशासन का बोला, एप्लीकेशन हमने दे रखी है, हम बोल रहे हमने दे रखी है, हमने एक लीगल प्रोसेस सुना है, हम प्रशासन से यही मदद मांग रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए, ठीक है। ये गुंडागर्दी हो रही है हमारी कॉलोनी में, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। मैडम कोई गुंडागर्दी नहीं थी, कोई गुंडागर्दी नहीं थी। मैं और दो औरतें और होती हैं, चारों तरफ घूमती हैं लोगों के पहरे पे, ताकि ये बाजार शांति से बना रहे। जब गुंडागर्दी होती थी तब ये बोले नहीं, तब गुंडागर्दी से पूछना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इनसे पूछना चाह रहे हैं, ये लीगल है ये चीज, इसकी कोई परमिशन नहीं है। मैडम मंगल बाजार लीगल है, शनि बाजार लीगल है, हमने उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी कॉलोनी में लीगल है ये। इतना लेगी बाजार लगेगा। प्रधान जी ये इसको ऑर्डर देंगे, एमसीडी ऑर्डर नहीं देगी, प्रधान जी ऑर्डर देंगे, ये प्रधान के अंडर में नहीं आता, ये बाजार लगवाना प्रधान के अंडर में नहीं आता, ये एमसीडी ऑर्डर करेगी, हम एमसीडी ऑर्डर में मानेंगे, हम प्रशासन के एमसीडी ऑर्डर देगी, आप लगाने देंगे, हम एमसीडी के ऑर्डर मानेंगे, एमसीडी बोले की लगा लो, ठीक है, हमारे को सिक्योरिटी तो मिलेगी, हमारी सिक्योरिटी तो होगी कम से कम। एक प्रधान गुंडागर्दी करवा रही है यहाँ पे, प्रधान गुंडागर्दी करवा रही है, ये कौन सा तरीका है? ये हमारे को बाजार की जरूरत नहीं था, बाजार क्यों लगवाया जा रहा है यहाँ पे, ये बताओ पहले, ठीक है। गुंडागर्दी करा रही है बाजार के अंदर, कोई दारू नहीं पीता, कोई अरे कोई ना पीछे है, गुंडे पुलिस के गुंडे होते हैं, ये वो गुंडा है, इसी ने बाजार को, इसी को तकलीफ है, पूरे बाजार में इसी को तकलीफ है, महा बड़ा गुंडा, सब लड़कियों को इन औरतों को छेड़ना इसका काम है। सर सामने सामने आरोप लगा रही है उन जिनको मैं छेड़ता हूँ, उनको लेके आओ पहले, किसको छेड़ा बताओ, किसको छेड़ा बताओ, किसको छेड़ा मैंने, पलट दिया ये सब्जी, पलट दिया सब्जी बेचना दिया, इनके पास में कौन सा प्रूफ है कि मैंने इनकी गाड़ी पलटी है, जिनको छेड़ा था इनके पास में कौन सा प्रूफ है? अच्छा सर, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि आप इनके पैसे लेते हैं, 100-100 रुपए मांगते हो आप इनसे, मैम मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्यों मांग लूंगा 100-100 रुपए? जैसे ये लोग, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को सरकार बहुत देती है, ठीक है ना, मेरा कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हमें प्रॉब्लम होती है आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आपको भी पता है कोरोना काल चल रहा है, पूरे कोरोना काल में इन लोगों ने बाजार बंद नहीं किया, वीकली बाजार एक दिन बंद नहीं हुआ, क्यों? जबकि हर एक मार्केट बंद थी, हर मेन बाजार बंद थे, यहाँ पर गुंडे से अनुराधा शर्मा गुंडे से बाजार लगवाती है, लोगों पे चढ़वाती है, मार पिटाई करवाती है, दारू पीती है बाजार के अंदर, ठीक है, ये सारा ये सब इलीगल काम यहाँ पे हो रहा था, वो दारू पी के लड़ाई झगड़ा होता है यहाँ पे, उसके लिए कार्रवाई हो रही है, लोगों के गर्दन पे रखते हैं, जो सब्जी काटने का चक्कू होता है ना, वो लोगों को गर्दन पे रखते हैं। धंधेवाली बताती है, उसके पास क्या है, प्रूफ क्या है इसके पास, ये धंधा कराने वाली देख सकते हैं अभी किस वक्त किस तरीके का लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। मैंने मारा एमसीडी वाले को, मैंने
हाँ जी, ये कम से कम 10-12 औरत है बाजार लगाते, ये औरत दारू पीएंगे, ये लाके देते, हमारे पे झूठा इंजाम लगाया जा रहा है। हम अपना खर्चा पूरा देते, झाड़ू भी लगाते, स्पेशल हमने आदमी लगा रखा है झाड़ू वाला, क्या कोई गंदगी नहीं है। सुबह 5 बजे हमारे बाजार में झाड़ू लग जाती है, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। हमारे तो बच्चा के सब्जी वालों का कहना है कि जो इंस्पेक्टर है जिनका संजय कुमार नाम बताया जा रहा है वो बाजार नहीं लगाने देते, और उनका कहना है कि ये मार्केट इलीगल है। जब इन्हें एनसीबी की तरफ से नोटिस मिल जाएगा और जारी कर दिया जाएगा कि ये बाजार लग सकता है, लीगल नोटिस उनकी तरफ से इनको मिल जाएगा तो ये बाजार लगाने देंगे। और इन लोगों का कहना है कि 12 साल से ये लोग ऐसे ही बाजार लगा रहे हैं यहाँ पर, और इतने समय से किसी को भी पूरे जो कॉलोनी है वहाँ पर किसी को भी दिक्कत नहीं थी। अभी सिर्फ ये 2 घर है जिनका नाम, एक का नाम इन्होंने पूजा बताया और दूसरा इंस्पेक्टर संजय कुमार, उनको भी दिक्कत है और किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुनील लाल के साथ मैं दिव्या जलकोदरी।